उत्तर प्रदेश में एक जमाने में गुंडे और माफियाओं का राज रहता था लेकिन उस जमाने में भी कुछ ऐसे पुलिस के अधिकारी थे जिनके सामने उन गुंडों ने घुटने टेके उन्हीं में से एक हैं शिव कुमार अवस्थी जी टीवी वी नाइन भारत वर्ष पर उनका स्वागत है हमारे साथ मौजूद हैं सर एक बात बताएं मुख्तार अंसारी को जब सबसे पहले वो जेल गया जिस मामले में सज़ा हुई वो आपकी वजह से हुई तो अगर हम इसको बोलें तो किस क्या वाक्य था क्या सब कुछ हुआ था एक बार प्लीज़ बताएँ ज़रा 2003 में मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल बिगड़ी हुई थी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ तब भी मुझको यहाँ पर पोस्टिंग की गई थी और मैं यहाँ पर एक साल रहा था उसी दौरान मुख्तार दिल्ली से भी ट्रांसफ़र होके आया वहाँ था इसकी मुलाकात को लेकर के एक बार मुलाकाती लोगबाग मिलने आए थे मैंने उनको रोक दिया इस पर ये स्वतः आया क्योंकि वो जो मिलने आया था वो पिस्टल लेके आया था अब इसने मैं, मैंने तो वैसे रोका था रूटीन में ही लेकिन जब वो अंदर आया और मैं तलाशी लेने की बात होने लगी तो ये बिगड़ गया इसने कहा कि आप तलाशी नहीं लेंगे मैंने कहा मैं जेलर हूं बगैर तलाशी के तो किसी को नहीं जाने दूंगा जब तब तो इसने नाराज होकर उससे पिस्टल निकाल ली उसी से लेके निकाल ली और मेरे तरफ तान दी वो दो, मैंने मुकदमा न्यायालय में आलमबाग थाने में यहीं पर लिखवाया था और उस मुकदमे के अंदर वर्तमान में इस गवर्नमेंट के अंतर्गत ये पुनर्जीवित हुआ वो मुकदमा और उसमें इसको सजा सजा हुई तो इस तरह से ये और मैंने जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कि आप इतनी बड़ी बात समझिए कि 2003 में एक बड़ी हादसा मुझसे हो जाता है जिस पर कि ऐसे माफिया जो अपने में अलग माफिया है मुख्तार का प्रभाव कितना है उसके खिलाफ़ मुकदमा कराया जाता है और 2010 में मुझे गाजीपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जब मुझे गाजीपुर ट्रांसफ़र किया जाता है तो मैं मुझसे पूछा जाता है कि आपको गाजीपुर भेजा जा रहा है मैंने कहा कि मैंने उसके खिलाफ़ मुकदमा कायम करा रखा है यदि मुझे भेजा जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा वहाँ पर नहीं नहीं उन्होंने कहा कि नहीं भेजा जाएगा आपको भेज दिया गया मैं गया गाजीपुर रहा और मैं तीन साल नौकरी करी और दमदारी से करी नौकरी गाजीपुर की बात से पहले मैं फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा जिस वक्त आपके ऊपर उसने पिस्तल टाँगी आपको थोड़ा सा भी डर लगा लगा कि किस खूंखार आतंकी ने एक गुंडे ने मेरे ऊपर पिस्तल टाँडी देखिए ऐसा है जब मैं जेल विभाग में नौकरी करने के लिए मैंने अप्लाई किया था ये तो मुझे तभी सोच लेना चाहिए था मैं जिस विभाग में जा रहा हूँ इसमें संत महात्मा मुझको नहीं मिलेंगे मुझको ऐसे गुंडे अपराधी और मोली मिलेंगे लेकिन ये सब सोचते हुए ही मैं विभाग में आया था और अपने मजबूती के साथ इसके लिए लटा हुआ था मैं ये भी जानता था कि ये जेल के अंदर इतना साधारण नहीं है कि हर आदमी किसी को गोली मार दे बाहर एक बार को ये प्रहार इस रूप में कर सकते हैं ये इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे वो बातें तो अलग हो गई लेकिन लोग बाग देखने लगे इसी जेल पर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर रहते हुए एक अशोक गौतम जेलर का मर्डर हुआ था आर के तिवारी का मर्डर हुआ था अधीक्षक का मर्डर हुआ था तो वो सब होते हुए मैं दमदारी तो कुछ रखनी पड़ेगी नहीं रखेंगे तो इनसे हम झेल पाएंगे इनको तो ये तो है ही है स्वाभाविक है सरकार जो है सपा बसपा की जब भी रही तो ये डॉन की तरह जो है जीता रहा और यहाँ तक बताते हैं कि इसने कई बार लोगों को बोला भी कि मेरी वजह से सरकार चल रही है देखिए क्योंकि अधिकतर ये निर्दलीय विधायक रहे चाहे मुख्तार हो चाहे अखिलेश जी हो चाहे ये इन लोगों का निर्दलीय विधायक की भूमिका अपने में अलग रहती है सरकार की उनको जब वो सपोर्ट करते हैं तभी खड़ी होती है ये बातें सब सामने रहती हैं और ये लोग भली भांत जानते हैं कि हमारे दम पर सरकार चल रही है वर्तमान में काफी परिवर्तन है इस समय जो सरकार में इस समय भी यदि कोई निर्भीकता के साथ नौकरी नहीं कर पाता है तो उसके अंदर नौकरी करने लायक नहीं है मैं तो ये आपको उसने बोला कि एक वोट से मेरी सरकार गिर जाएगी यस मैं जिक्र कर रहा था इन्होंने इसने दिल्ली से मुख्तार ट्रांसफर होकर आया था यहाँ पर डीएम ने ऑर्डर देके कहा इसको अंदर रख लिया जाए ये जेल के अंदर डीएम के ऑर्डर से आ गया इसने कहा कि मुझको अदालत जाना है मैं पुलिस यूपी पुलिस के उससे कस्टडी से जाऊंगा क्योंकि मेरा पास वारंट आ गया है लोकल कोर्ट का इसलिए मैं अब यूपी पुलिस का आदमी हो गया एसपी से मैंने कांटेक्ट किया बात हुई एसपी महोदय ने डीएम ने कहा कि इनको यूपी पुलिस वाले के अंडर में भेज दिया जाए यूपी पुलिस चूंकि वहां पर थी एस ने ऑर्डर किया वो गया वहाँ पर और उसने जब मैंने इसके इसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा तभी इसने कहा कि आप जानते नहीं अवस्थ्य जी पहले तो उसने कहा कि आपको लग रहा है कि गाजीपुर ट्रांसफर के नौकरी करना सिखाना होगा मैंने कहा कि वहां भी नौकरी कर लेंगे जब इसने मुझसे इस वाली घटना में कहा कि आप सरकार जो है एक बोर्ड से टिकी हुई है शक्ति परीक्षण में मैं नहीं जाऊंगा सरकार गिर जाएगी इसके बाद मैंने कहा ठीक है ये सरकार का काम है मेरा काम नहीं है मेरी तो ड्यूटी अपनी है कि मैं जवाबदेही मुझको न्यायालय की भी है कोर्ट ने चूंकि ऑर्डर दिया था शक्ति परीक्षण में ये जाकर पुनः वापस आएगा अब इसने गाड़ी ऐसी फंसा दी थी कि लोकल कोर्ट से वारंट आने के बाद इसको लखनऊ जेल पर ही रखना था मैंने कोर्ट से फिर लिख के भेजा ऑर्डर लिया और इसको दिल्ली वापस करवाया तो इन लोगों का प्रभाव तो रहता ही इसके अलावा जब आप गाजीपुर जेल गए तो वहां किस तरह की कहानियां आपको सुनने को मिली क्योंकि तब तक जेल तो की कहानियों की बात तो यह है कि मैं 2010 में जब गाजीपुर गया था तो निन्यानबे परसेंट जेल के बंदी तो इसके थे समझ लीजिए यही नहीं आधा स्टाफ इस इसका था यदि वो कह दे कि इसको पकड़ लीजिए तो मुझे पकड़ने लोग बाग मैं अपने स्टाफ से कहता रहूं कि इनको पकड़ लीजिए तो ना पकड़े लेकिन दसवें दिन मैंने उनके परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वहां के माहौल को देखते हुए अलार्म करवाया अलार्म हुआ। चिन्हित जितने लोग बाग थे, अच्छी तरह से तोड़े गए वाली भी भी आ आ गए, पुलिस गई, क्योंकि वहां का प्रशासन भी आजिज था वहां पे प्रशासन भी कोई मन से नहीं कर रहा था वो जिस दबाव में कर रहा था उन्होंने भी ये सोच के आए कि निपट ही लिया जाए अब और उस दौर में पहला दस दिन बाद ही ये वाक्य हो गया था मेरे जाने के बाद लगभग 18 आदमियों पे गैंगस्टर लगा था इनसाइड जेल पहली बार लगभग 10-12 लोगों को ट्रांसफर किया गया दूसरी जेलों पे जेल बहने लगी फिर तो उसके बाद किसी से बैठने के लिए कह जाए तो लेट जाए ये आलम बन गया था कहते हैं कि जब ये गाजीपुर जेल में हुआ करता था तो अपने हिसाब से बैडमिंटन खेलता था तमाम तरह के ऐश की चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी देखिए ये एक ऊंचा पेड़ बना हुआ था पीपल का उसके ऊंचे चौतरा था उस पर मंच लगाया करता था वहीं पर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था तालाब था एक मछलियां पाली जाती थी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव था उस यहां तक सुनने में आया उसके पहले कि धान जो बोया जाता था जेल के अंदर ये अपना बोआता था, था और कटवाता था वो खाता क्या था भिजवाता था लेकिन जब मैं गया हूं उसके बाद वहां पर तालाब की मछलियां निकलवा के नीलामी करवाई गई आन धान की तो ही, ही नहीं किसी की इतनी तो ट्रांसफर कर दिए गए थे उनके बहनों ही वहाँ पर बंद थे तो जेल तीन साल रहा मैं कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन स्टेशन टहलने मैं ना जाता हूँ और मुझको कोई नहीं मिला पूरे वैसे तो आपने बहुत सारे माफियाओं से मतलब पंगा लिया एक तरीके से मुख्तार क्या उन सब में सबसे खतरनाक दिखा आपको? नहीं नहीं देखिए सब अपने अपने लेवल के हैं अपने अपने क्षेत्र के हैं अपने अपने एरिया के हैं अपने सब बने हुए हैं अभी तक तो जितना ये अतीक का साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है इससे पहले तो मुख्तार का इतना दिखाई भी नहीं पड़ता था मुख्तार भी बड़ा माना जाता था कि उसका साम्राज्य तगड़ा होगा वर्तमान में इसका साम्राज्य तगड़ा मालूम पड़ रहा है मुख्तार का अतीक अतीक हाँ देख रहे हैं आप लोग जो मैं हम तो चैनलों पे देखते हैं मैं तो 2013 में रिटायर हो गया हूँ दस साल हो गए मुझे रिटायर हुए काफ़ी बदल गया है समय बदल गया है समाज बदल गया है और सरकार बदल गई है अतीक से भी आपका पाला पड़ा हाँ मैं से मेरा पाला पड़ा मैंने बताया ना कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर ये मेरे सामने बंद होके आया था जब मैं वहाँ पर ए, नैनी में था तो मुलायम सिंह जी एक बार किसी से मिलने के लिए आए थे जेल पर कोई बंदी बंद था उससे मिलने के लिए आए थे ये भी आया था साथ में साथ में दौड़ रहा था लगा हुआ था प्रभाव तो वहाँ पर सिफार से आती थी मैंने जिक्र किया इससे पहले भी कि एक बंदी वहाँ पर मर गया था सामान्य मौत के अंतर्गत अखबार बेचने वाला व्यक्ति था इन अतीत के प्रभाव से मिड डे रात में बारह बजे अखबार बेचने वाले व्यक्ति का मिड डे पोस्टमार्टम कराया गया और छः मेजर इंजरी दिखाई गई उसमें उसके अंतर्गत मुझको घसीटा गया जिसका मैं खामयाजा अभी तक भुगत रहा हूँ तो ऐसा है ये सब होती हैं बातें है। आप जब मतलब रिटायरमेंट आपका गाजीपुर से हुआ मेरा वही बात है ना गाजीपुर से मेरा ट्रांसफर इटावा किया गया इटावा में जबकि सपा की सरकार थी आप समझ सकते हैं इटावा के अंदर कितना प्रेशर था कितना दबाव था मैंने देखा है वहां पर मिलने आते के लिए डीएम एस पी सिंह जी आते थे मिलने के लिए उनसी के सामने खड़े रहते थे हड़काता था कि ये कैसे ऐसे बंद हो गया ये कैसे ऐसा बंद हो गया तो ये प्रभाव तो रहता ही रहता रहेगा ही अभी अब लगता है कि इस पूरे मामले के बाद मुख्तार का साम्राज्य खत्म हो रहा है या खत्म होने के कगार पे है या ढल रहा है देखिए ऐसा है वर्तमान में जो सरकार चल रही है ये इसमें कोई शक नहीं है कि इतना दमदारी से चल रही है कि आजकल माफिया सब अंदर हैं रुके हुए हैं वैसे बदमाश की पोजीशन ये है कि ये जेल वालों से टकराते नहीं हैं ज़्यादा एक कहावत जो कही जाती है कि सांप बिल में सीधा हो जाता है हर जगह तिरछा चलता है ये कभी ये टकराना नहीं चाहते किसी से अवॉइड करते हैं मैंने बड़े बड़ों को देखा है ये लोग कभी जेल में व्यवहार बिगड़ना नहीं चाहते परिस्थितियां विपरीत ऐसी अधिकारियों से अब हो 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 दमदारी आ गई है आपने देखा होगा कि उमेश पाल राजू पाल के हत्याकांड के अंतर्गत जिस तरह से मारा गया क्या छोटी बात थी लाइव टेलीकास्ट मतलब जो पोजीशन हुई है इतना तो कभी हिम्मत ही नहीं कर सकता लोग बाग लेकिन जो उसका रिएक्शन हुआ है जो बाद में दिखाई पड़ा है वो उससे तगड़ा दिखाई पड़ा है आजकल अच्छे अच्छों के रूह फाकता है निश्चित रूप से जो माफिया है उनके रूह फाकता है और उसकी वजह है कि जो रिएक्शन है वो जबरदस्त है सरकार की ओर से कैमरामैन विजय ममगैन के साथ कुमार कुंदन टी वी भारतवर्ष लखनऊ